हेलो गैस, कैसे आप सभी। विजयलक्ष्मी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ पनीर का पिज्ज़ा। घर पे बनाया है हमने, ना किसी ओवन में बनाया है दोस्तों, सिर्फ तवे पे बनाए हैं। और ये पिज्ज़ा पिज्ज़ा बेस हमने मार्केट से लिया था दोस्तों। आप लोग भी पिज्ज़ा बेस मार्केट से लेकर बना सकते हैं, या तो हमें आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हम आप पिज्ज़ा बेस कैसे घर पे बना के पिज्ज़ा बना सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं गैस। चलिए हम आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं लेस्ट टाइम। उसके लिए दोस्तों हमने ये पिज्ज़ा बेस लिया है, उस पर पहले ये हम रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरीके से एक साइड को सिकने के लिए। मैं इसको तवे पे बना रही हूँ दोस्तों। उसके लिए मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे। अब इसे थोड़ा सा लो कर लेते हैं और जिस साइड से हमने ऑयल लगा था उसको हम एक साइड से सेक लेते हैं ब्राउन होने तक। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सीख चुका है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। अब हम इसे पिज्ज़ा को सजाते हैं दोस्तों। ये देखिए जिस साइड हमने सेका था उसको पलट लेते हैं पहले पहले इस साइड से हम ऑयल इधर भी लगाएंगे इस तरीके से। हमने अच्छी तरीके से लगा लिया है, अब इसको पलट देते हैं। अब हम इस पे लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा मेयोनीज भी लगा देते हैं। ये हमारी एकदम मार्केट स्टाइल का होटल जैसे में बनता है ना पिज्ज़ा, वैसे ही बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। और फिर हम ऊपर से इसमें डालते हैं टमाटर केचप, इससे स्वाद बहुत ही टेस्टी आएगी। ये देखिए ये हमने लगा लिया। अब हम इसमें चीज़ ऐड कर देते हैं दोस्तों इस तरीके से। ये हमने चीज़ ऐड कर दिया। हम ऊपर से अभी इसे सजाएंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च और टमाटर कटा हुआ और प्याज, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसको अपने अनुसार सजाइएगा दोस्तों। और हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों ये पनीर। आप किसी चीज़ से भी आप बना सकते हैं पिज्ज़ा। ये हमारे पास थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था तो हमने सोचा पनीर को भी ऐड कर देते हैं। ये हमारा पनीर पिज्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से सजा देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमने घर में पनीर को फाड़ा था दोस्तों तो थोड़ा सा बचा हुआ था, बाकी हमने सब्जी बना रखा था तो इसमें ऐड करके हम पनीर पिज्ज़ा बना देते हैं। आप लोग भी घर में ज़रूर बनाइएगा पनीर पिज्ज़ा इस तरीके से। ये देखिए हमारा ये हो गया। और ऊपर से हम ये चिली फ्लेक्स डाल देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और ऊपर से इसमें चीज ऐड कर देते हैं। हम इसे तवे पे ही इसे पकाएंगे दोस्तों।
आप लोग गैस जरूर सोचते होंगे बिना ओवन का कैसे पिज्ज़ा बने। तो गैस में ना किसी ओवन ना किसी चीज़ में बना रही मैं, तो सिंपल तवा जो होता है जिसपे हम रोटी बनाते हैं उस पर बना रहे हैं। अब हम गैस को जला लेते हैं। अब गैस को धीमे आँच पे रख के छोड़ देते हैं। इसको धीमे ही आँच पे होने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अब हम इसको ढक के रख देते हैं। ये प्लेट हमारी परफेक्ट आएगी तो हम इसे ढक देते हैं इस तरीके से। और टाइमर चल कहाँ रहा है तुम्हारा? इसे अब 7 से 8 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। उसके बाद हम गैस को बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आपको पिज्ज़ा रेडी हुआ दिखाएंगे दोस्तों। ये हमारी 7 से 8 मिनट हो गई है दोस्तों। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और हम इसे निकाल के देख लेते हैं प्लेट को हटा के कि हमारा पिज्ज़ा कैसे रेडी हुआ है। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए एकदम मार्केट जैसा लग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा आप अपने घरों में। ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल चिपका नहीं है। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं सर्व करके। ये देखिए गाइस हमारी पनीर पिज्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है एकदम मार्केट जैसे। आप लोग घर में बना सकते हैं, घर में पनीर भी बना सकते हैं, उससे आप लोग पिज्ज़ा ज़रूर बनाइएगा। हमने तो अपना पिज्ज़ा तैयार कर लिया है दोस्तों। अब हम चलते से टेस्ट करने। अगर हमारी ये पिज्ज़ा की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ हमारी ये पनीर की पिज्ज़ा की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो को आप लोगों को किस चीज़ पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स